नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पीवीआर स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी मित्र पढ़ाना चाहते हैं हमारे साथ में पीवीआर स्टडी में, वो कैसे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जो अपने घर से करेंगे उनके लिए मैं कुछ यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ, जिससे कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी में और एक आकर्षक वीडियो बन सके। देखिए, ये तरीका आप जान जाएंगे तो कर लेंगे। आप सभी मित्रों को एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद जो आप लोगों ने इस काबिल बनाया कि आज आप लोगों की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले आपको अपना फोन लेना है, जो भी हो आपके पास। मैं आपको बता दूं, कोई भी कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती है। पीवीआर स्टडी की शुरुआत इस फोन से हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं घिसा पिटा है। अभी भी इसी से वीडियो रिकॉर्ड होता था, लेकिन बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब होने की वजह से ये फोन चेंज कर दिया गया, जो कि सैमसंग J2 है, सेकेंड हैंड लिया गया था 3,500-4,000 में, और उसके बाद ही शुरू हुआ था ये पीवीआर स्टडी। अभी ये सेकेंड हैंड फोन जो है सेकेंड हैंड में ही है और अभी भी चल रहा है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है ये, तो फिर भी बुढ़ा हो गया काफी। चलिए आपको बताते कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब आपके यहाँ व्हाइट बोर्ड तो होगा नहीं, हम समझ सकते हैं। करेंगे आप कैसे, कॉपी है आप सभी के पास? जी बिल्कुल होगी, पेन भी है, पेपर भी है, सब कुछ है। तो हम आपको तरीका बताएंगे। स्टार्टिंग में आप लोग कॉपी पेन से शुरू करेंगे, बाद में फिर हम आपको सारे उपकरण सारा सिस्टम बताएंगे कैसे करना है। आप अपने घर से कर सकते हैं, चाहे आप गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, कोई भी हो, इंडिया में आप कहीं से भी हैं, इतना ही नहीं, अगर आप किसी दूसरे देश में भी रहते हैं तब भी आप वहां से भी कर सकते हैं। हम आपको तरीका बताएंगे कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे भेजना है। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, एक बात याद रखें, सफलता डिग्री की मोहताज नहीं होती। यहाँ पर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, बस इतना वैल्यू है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, जो आप दे रहे हैं अगले को मिल रहा है कि नहीं, उसे समझ में आ रहा कि नहीं। आप सही जानकारी दीजिए, अगले को समझ में आए जो देख रहा है, बस इतना चाहिए। अगर मानते हैं, सपोज करिए किसी के पास बहुत सारी डिग्री है, लेकिन जो भी कार्य वो करता है लोगों को पसंद नहीं आता है, लोगों के समझ में नहीं आता है, तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं हमारे लिए। और मैं आपको बता दूं आज कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं। चलें शुरू करें। देखिए, ये कॉपी है ना, इस कॉपी को क्या करना है आपको, ऐसे खोल लेना है कोई भी एक पेज, ठीक है। तो अभी कुछ वीडियो हमारे पास आए हैं जिन्होंने कुछ ऐसे करके रिकॉर्ड किया है फोन, मतलब उन्होंने कैमरा को ऐसे कहीं सेट किया था, जैसे भी किया हो, या हाथ से पकड़ा था या कोई पकड़ के खड़ा था, लेकिन ऐसे नहीं करना है ना। क्यों? जब वीडियो पब्लिश होगा आप फोन में देखेंगे तो वो वीडियो उसमें अपने आप ऐसे घूम जाएगा, फिर वो छोटा सा दिखेगा स्क्रीन में थोड़ा सा। इसलिए आपको फोन को ऐसे कतई नहीं करना है, ऐसे करना है और फिर रिकॉर्ड करना है। अब ऐसे फोन कैसे रोकेंगे आप? हम आपको ट्रिपॉड भेज देंगे, आप अपना एड्रेस भेजिएगा, ट्रिपॉड जिसमें ये फोन लगाते हैं, अभी आपको दिखाएंगे कैसे होता है। उसमें आप फोन ऐसे सेट कर देंगे, टेबल पे रख देंगे, कहीं जमीन पे रख देंगे, वो ऐसे रुका रहेगा और आप अपना आगे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये उसके लिए शेड्यूल मतलब अच्छा होगा जो लेक्चर देना चाहता है, मतलब लिखना नहीं चाहता है, वो कहीं भी बैठ करके या खड़े होकर के लेक्चर दे सकता है फोन को एक जगह सेट करके मौखिक में। लेकिन जो लोग लिख करके समझाना चाहते हैं कुछ, वो कैसे करेंगे? उनके लिए तो बोर्ड तो होगा नहीं, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। फोन को ऐसे लेंगे, कॉपी खोलेंगे, एक हाथ से आप फोन पकड़ेंगे। पहले आपने देखा होगा, मैंने काफी क्लास इस तरह से लिया है, आप फोन पकड़ेंगे बाएं हाथ से। यहां पर कॉपी को हमें रोकना पड़ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करेंगे, बस तुरंत दिखा रहा हूं, थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए, आपको ऐसे कहीं भी कॉपी को रखना है, ठीक है, मेज पे, टेबल पे, बिस्तर पे, कहीं भी। उसके बाद आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे हाथ से, ठीक है, साथ में ऐसे लिखना शुरू करेंगे। दूसरा हाथ से जो आपका फोन होगा उसे ऐसे पकड़े रहेंगे, उसके ऊपर आप उसे इतना दूरी पर करेंगे जिससे कि उसमें क्लियर दिख सके, मतलब कि जो आप लिख रहे हैं वो पूरा अच्छे से आना चाहिए और समझ में आए कि हाँ आप क्या लिख रहे हैं, मतलब इतनी दूरी पे होना चाहिए, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन फ़ोन ऐसे होना चाहिए, ऐसे कतई नहीं होना चाहिए, मतलब फ़ोन आप सीधा ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ये गलत तरीका है, फ़ोन को आप ऐसे पकड़ेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत मेहनत किया, उनकी उम्मीदों का हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने काफ़ी उम्मीद करके भेजा हुआ है, तो उसको हम पब्लिश कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं अगला वीडियो के लिए बता रहा हूँ कि आप फोन को इस तरह से पकड़ेंगे, समझ गए ना?
बाकी ट्रिप कोड हम आपको भेज देंगे जो कि अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप फोन को लगा करके फोन को कहीं भी अपना स्थित कर सकते हैं, आपको हाथ से नहीं पकड़ना होगा, या फिर आप ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि ऐसे पकड़े रहने से हाथ दर्द होगा, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे की क्लास मैंने लिया इस तरह से, आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आपको दिखा देंगे। मिनिमम 60 मिनट की और मैक्सिमम 180 मिनट की भी क्लास इस तरह से मैंने किया है। अगर आप चाहेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है, समझ गए। देखिए अब बात आती है ट्रिप बोर्ड की। जो लोग लेक्चर देना चाहते हैं, जैसे बायोलॉजी हुआ, जीके जीएस हुआ, किसी चीज के बारे में आप ऐसे लेक्चर दे सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम हमारी तरह जैसे हम खड़े हैं। जरूरी नहीं कि आपके पीछे व्हाइट बोर्ड हो, आप पीछे कोई पर्दा भी लगा सकते हैं या फिर कोई दीवार भी होगी तब भी चल जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो आप फोन को कहीं भी एक जगह स्थित कर देंगे। ये ट्रिप बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है, कैसे आप इसमें फोन एडजस्ट करेंगे। आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। देखिए इसके लिए कैसे करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिप बोर्ड ऐसे होगा आपको जो मिलेगा, तो इसमें 2 पार्ट होंगे, आपको इसमें ऐसे इसको लगाना है और इसको कस लेना है घुमा के। ये देखिए बन गया ना, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके 4 पैर हैं, इसको ऐसे खोलेंगे, माफ करिएगा 3 ही है 4 नहीं है, तो ये ऐसे खुल जाएगा। इसको आप कहीं भी रख देंगे, जब तक जिस पे आप रखेंगे वो नहीं गिरेगा तब तक ये गिरेगा नहीं, इसको चाहे जितना कोई हिलाए डुलाए कुछ भी करे। लेकिन हाँ ये बहुत नाजुक होता है, अगर इसको आप हल्का ज्यादा जोर देंगे तो टूट जाएगा, तो इसलिए इसको बच्चों से दूर रखें। लगाएंगे कैसे इसको देखिएगा, अपना मोबाइल फोन जो भी है आपके पास उसको ऐसे सिंपल में लेना है इस साइड से, और इसको इस पे रखना है ऐसे, ठीक है। रखने के बाद में नीचे से इसको सपोर्ट करना है, यहाँ पे तो मैं एक हाथ से नहीं खींच के दिखा सकता, नहीं टूट जाएगा। और फिर क्या करेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये इसको खींचेंगे ऊपर को और एक हाथ से इसको दाबे रहेंगे फोन को, तो ये देखिए ये ऐसे देखिए लग गया। अब इसमें फोन लग गया ना, अब इसे आप ऐसे कहीं भी रख सकते हैं, और रख करके अपना कैमरा ऑन करेंगे और जिधर भी फोकस करेंगे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, समझ गए ना। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखा दूं, थोड़ा सा रुकिएगा, ऐसे देखिए इसे आप कहीं भी रखेंगे तो इस तरह से ये रिकॉर्ड होगा, जबकि इसका कैमरा काफी खराब हो चुका है, बहुत मेहनत किया इसने, तो ऐसे आप कर सकते हैं, समझ गए ना। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं। कोई भी कॉल रिसीव करेगा, जो भी मित्रगण है आपको सटीक जानकारी बताएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जिस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं उसकी कॉल हम रिसीव करते हैं अक्सर, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक मौका दीजिए और जुड़िए पीवीआर स्टडी के साथ, जो 66,000 की संख्या है इसको 66 लाख में जल्दी ही बनाएं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट और आप लोगों की सारी उम्मीदें अकेले किसी से पूरा नहीं हो पा रही। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, 24 घंटे 1 घंटे 2 घंटे भी सोता हूँ, खाना पीना भी ना खाऊं, लेकिन फिर भी हो नहीं पाता है। 6 से 8 क्लास मैथ की केवल मैं देता हूं हर दिन, जिसमें डीएलएड की 4 सेमेस्टर होती है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। 0 लेवल बेसिक मैथ होती है जिसमें क्लास 10th की अलग से चलती है, 7th की अलग से चलती है, 4th की अलग से चलती है, 3 क्लास ये हो गई, 4 वो 7 हो गई, टेट सीटेट और ये एनटीपीसी 2 क्लास इसकी हो जाती है, 9 क्लास हो गई। इसके अलावा आपकी जो और भी एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है पर्यावरण वगैरह, तो 24 घंटे में 10-12 क्लास किसी एक के द्वारा दिया जाना काफी मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी सोचते हैं हमारी एक जिम्मेदारी है इसलिए हम इसको निभाते हैं, आप लोगों का विश्वास है वो बना रहे। अब अगर आप लोग साथ देंगे और थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो और भी आसान होगा, और हमारे लिए भी आसान होगा, आपके लिए भी आसान होगा, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और अवश्य इस मुहिम में भाग लेंगे और अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आप चाहे जहां से हो, गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, आप जॉब करते हैं या बेरोजगार हैं, कुछ भी हैं, लाइफ में बहुत से मौके हैं यार, कुछ भी करो, ऐसा कुछ जिससे कि आपको या आपके पड़ोसी को या अपने देश को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में लिखा हुआ है आपका अधिकार है, आप भारत देश में कोई भी कार्य कर सकते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, जबकि वो कार्य संविधान के विरुद्ध ना हो, देश के किसी भी प्रकार से
मतलब अपोजिट ना हो, यानी कि देश के लिए नुकसानदायक ना हो, बाकी आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप निसंकोच से कमेंट कर सकते हैं, नंबर पे भेज सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी आपकी पूरी हेल्प किया जाए, जो भी प्रकार की हेल्प होगा सब किया जाएगा, ठीक है ना। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। देखिए मैंने बहुत सारी कोशिश किया, लाइफ में इस समय प्रॉब्लम हो रही है जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम काफी हो रही है जिसमें हमने कई कनेक्शन आजमाए, ब्रॉडबैंड B4S और वाई मैक्स वगैरह, लेकिन फिर भी लाइव में दिक्कत, ये नहीं मालूम कि कैमरा की वजह से हो रही है, क्योंकि कैमरा हमारे पास ओनली स्मार्टफोन है, छोटा सा मोबाइल फोन है J4 का, तो HD कैमरा या DSLR कैमरा लेने की अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर DSLR कैमरा लिया जाएगा तो कम से कम मान लीजिए कि मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 4 से 5 लाख के कैमरे आते हैं, तो 50,000 अगर कम से कम लिया जाए तो चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी ही हो जाएगा, उसके बाद लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो ये सिस्टम कहीं दूसरे जगह सेट किया जाएगा, अगर इलाहाबाद प्रयागराज में नहीं हो पा रहा है, लखनऊ या दिल्ली में जहां भी होगा वहां सेट किया जाएगा, बस आप लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और हाँ, जो लोग प्रयागराज में आना चाहते हैं या आ सकते हैं वो आकर के यहाँ स्टूडियो से पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, उनको कुछ भी नहीं व्यवस्था करनी होगी, ठीक है, यानी कि जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पे वो खड़े होकर पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर से हैं, नहीं आ सकते, कोई कारण है, अन्य कोई समस्या है, तो आप जहां भी है वहीं से ही कर सकते हैं। पहले आपको वीडियो व्हाट्सएप पे भेजना होगा, उसके बाद हम आपको दूसरा माध्यम बताएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्वालिटी कम हो जाती है, तो आप उस माध्यम से बिल्कुल वीडियो को आसानी से शेयर कर पाएंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लैपटॉप हमारे पास भी नहीं था अभी तक, अभी हमने 10 दिन पहले लिया है। तो कोई भी कार्य करने के लिए जरूरी नहीं कि आप पहले पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, जो भी है आपके पास वहीं से शुरू करिए, जब आप चलना शुरू करेंगे ना तो आपके पीछे कतार आ जाएगी, समझ रहे ना। तो समझ गए होंगे सब कुछ। मजनू सुल्तानपुर के आपने ये बोल तो सुने होंगे, मैं अकेला ही चला था जानिब, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। जी हाँ, एक सटीक बात यह है कि सुल्तानपुर के रहने वाले हम भी हैं, लेकिन हम कोई शेरो शायरी नहीं करते हैं, तो इस बात को याद रखें, मजनू सुल्तानपुरी के ये बोल कि मैं अकेला ही चला था जानिब, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। जी बिल्कुल, शुरू शुरू में मैं भी अकेला ही चला था, अब तो आप लोगों का साथ हो गया। पहले जो लाइव क्लास होती थी ना, उसमें 0 देखने वालों की संख्या होती थी या 1 होती थी, अगर 1 हो जाती थी तो काफी खुशी होती थी कि हाँ कोई देख रहा है, अगर ये संख्या कभी कभी 2-3 हो जाती थी तो मानो कि खुशी की बहार आ गई, लेकिन अब ये संख्या 66,000 प्लस हो चुकी है, जो कि लाइव में हजारों लोग होते हैं, तो ये सब अपना अपना सोच और काम पे निर्भर करता है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हम अकेले पढ़ा रहे हैं, रात में 12 से 1 बजे तक लाइव चलता था, पहले की बात बता रहा हूं, तो बहुत कम चलता है क्योंकि बहुत सारे काम हो गए, कोई भी नहीं देखता था, अकेले ही क्लास चलती रहती थी, क्योंकि हम उस राह पे चलते हैं जैसे कि आप देखते होंगे सूर्य हर दिन निकलता है, चाहे कोई उसकी रोशनी में बैठे या ना बैठे, देखे या ना देखे, लेकिन वो अपने टाइम पे निकलता है। उसी तरह से अगर आप अपने कार्य को करते रहेंगे, कोई ध्यान दे या ना दे, लेकिन एक ना एक दिन लोगों की जरूरत जो है वो बनती जाएगी। पहले जब ये चैनल शुरू हुआ था, मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ जिससे कि आप लोगों की थोड़ी उम्मीदें बढ़ सके। तो जब मैं कहीं जाता था, अक्सर मैं इलाहाबाद से सुल्तानपुर जाता था, आप सभी जानते होंगे, अक्सर लोग आते जाते हैं, जो पैसेंजर चलती हैं छोटी छोटी आराम से, उनमें जो भी यात्री होते थे, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, मैं सबको सब्सक्राइब करवाता था, भाई मेरा एक चैनल आया सब्सक्राइब कर। कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, कुछ लोग मजा भी लेते थे, हमारे दोस्त लोग और मजा लेते थे कि भाई देखो ये लड़कियों को सब्सक्राइब करवा, मुझे सब याद है, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। जब हमने पहले शुरू शुरू में 1,000 लोगों को जोड़ा तो ऐसे ही जोड़ा, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया है ये इंडिया, जहां पर भीड़ होगी लोग वहीं जाएंगे, भले वो गलत हो या अच्छा हो, अगर किसी दुकान पर बहुत भीड़ लगती है हर दिन,
भले वो मिलावटी सामान बेचता है, लेकिन अगले को अगर एक साबुन भी लेना होगा उसी दुकान पे जाएगा वो, जो कोई गरीब इंसान बैठा होगा छोटी सी दुकान लगा के उस पे नहीं जाएगा। तो बिल्कुल मुझे ये कॉन्सेप्ट मालूम था, इसलिए हमने पहले 2-3 हजार तक पूरा किया किसी तरह से। उसके बाद आप देखिए, पहले का 0.5% भी मेहनत अब इसमें नहीं होती है, क्योंकि और भी बहुत सारे कार्य बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस समय 500 से 1000 लोगों का एवरेज पर डे बढ़ता है पीबीआर स्टडी में। अगर सभी क्लास चलती है अच्छे से तो हजारों की संख्या हर दिन नहीं बढ़ती है, नहीं तो मिनिमम अगर कोई भी क्लास नई नहीं चलती है फिर भी 300 से 400 लोग हर दिन जुड़ रहे हैं। जबकि मैं किसी से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं अब, क्योंकि टाइम ही नहीं है अब, लेकिन हाँ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग जुड़ सके। तो यही सब बातें थी इतनी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो ये कारवा इसी तरह से बना रहे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग सारी उम्मीद समझ गए होंगे जो हमने आपसे किया और जो बताया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाएं, जो भी सब्जेक्ट में आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, विज्ञान हो, कुछ भी चीज हो, क्योंकि आपके जो मेंबर हैं वो सब कुछ चाहते हैं। 66,000 प्लस लोग हैं जो कि सब्सक्राइब किए हुए हैं, देखने वालों की संख्या लगभग 1,20,000 है, जिसमें से 85,000 ऐसे भी देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो कमी नहीं है लोगों की। बस आप लोग नाराज मत होइएगा, कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हमारी कोशिश रहेगी आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की, क्योंकि अब कोई दूसरा और सपना नहीं है। आप लोग जानते होंगे सब कुछ छोड़ करके हमने इसी को शुरू किया है, एक मुहिम यही है कि उन लोगों को भी कुछ उम्मीद जग सके जो लोग सोचते हैं कि हमने कम पढ़ाई किया है। सफलता डिग्री की मोहताज नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से एक नई उम्मीद के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।